Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. क्यों देख लूं मैं दूसरा? देखिए, excuse me, ये बुके मैं पहले ले चुकी हूँ. आपसे पहले इस काउंटर में आई हूँ. आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? Thank you. सुमित जैसी लड़कियाँ कहाँ पसंद हैं? तुमने देखा नहीं है किस किस्म की लड़कियों के साथ घूमती हूँ. वो जो लड़की असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए आई थी, उसे आप पर्सनली कॉल करें और मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट लिए हायर कर दें. बट सर, वो तो वो जो भी सैलरी एक्सपेक्ट करिए, जिस लेवल पर आप, ओके? लेकिन सर, उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है. आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और ये काम आज ही होना चाहिए. उस लड़की के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इस जॉब से इनकार करने के लिए. अंडरस्टूड? ओके सर. मीर, क्या हाल है? ठीक हूँ. यार, एक ढंग की शर्ट नहीं मिली. तू बता कौन सी लूँ, ये या ये? Whatever you like. थोड़ा इंटरेस्ट ले ले यार, बता दे मुझे. सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि why were you waiting for me? तो जानते है, इस पूरी दुनिया में तू वो वाहिद शख्स है जो मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत के आ सकता है and can take anything. मैं तेरे साथ कुछ शेयर करना माइंड नहीं करता. सिवाय उन चीजों की जिनकी मुझे आदत ना हो. और तू अच्छे तरीके से जानता है कि मुझे किसी चीज की आदत नहीं होती. और तू भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं. चल, ये ले रहा हूं. लवली. अरे हाँ, याद आया, आज ऑफिस में एक लड़की को देखा. क्या नाम था उसका? कौन सी लड़की? आबरू. यार, क्या किया तूने उस बेचारी के साथ? क्या किया? पर कुछ सवाल ही पूछे थे उससे. कुछ सवाल? अच्छा, खैर, मैं सोच रहा था कि अगर तू उसको हायर नहीं कर रहा है तो मेरी टीम में एक बंदे की जरूरत है, इंटेलिजेंट भी है. नहीं, एक्चुअली मैं उसे ऑलरेडी हायर कर चुका हूँ. ऑलरेडी हायर कर चुका? लेकिन वो तो कह रही थी कि इंटरव्यू है. बेसिकली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट हर. इनफैक्ट कल ही मेरे ऑफिसर से कॉल भी चली जाएगी. ओके, गुड लक. थैंक्स. अब आए 6. ओके, 6-4, 6-4. तीन. अभी आ जाओ, तुम्हारी बारी है. तुम्हारी बारी आ गई यार, जल्दी आओ. आ रही हूँ. क्या कर रही हो किचन में? रुक जाओ थोड़ी देर. आई नो उसकी बारी है भाई. तो तुम लोग को ना बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है. आने का वक्त हो गया बाबा के. चार चार आ रही थी उनकी बारी. दो ही लाना और एक मत लाना प्लीज. अच्छा, तो तुमने बारी चल ली है. एक मत लाना, छह ले आओ, दो ले आओ. दो बारियां तो दोनों पीटेंगे. चार चार मेरे साथ ही होता है. मजा आ गया. और खेलो मेरे बगैर. ये आया दो.
मुझे चाहिए सबसे पहले तो। हेलो ये और ये नहीं जी बोले हाँ जी बात कर रही हूँ जी तुमने नहीं देखा तुमने गिन मैंने देखा यार मैं नहीं पता पागल कर चो जी आप क्या कह रहे कल से जी ठीक है मैं आ जाऊंगी जी क्या हुआ किसका फोन था मुराद ग्रुप से फोन था सच और वो अकड़ू है ना उसने मुझे हायर कर लिया जॉब पे और वो भी मार्केटिंग मैनेजर वो अकड़ू तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था मार्केटिंग मैनेजर की जॉब ऑफर कर दी इसलिए तो मैं हैरान हो रही हूँ अचानक से फोन आया और तुम लोगों ने इतना शोर किया तो बंदा बोला कि कल से आके ज्वाइन कर ले जॉब और मैंने भी हैंग कर दी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना नहीं यार मेरा नहीं दिल मान रहा इस जॉब के लिए तुम पागल हो गई हो पागल की क्या बात है मैं उस बदतमीज के अंडर काम करूंगी कभी भी नहीं आकरू क्या हो गया तुम इतनी फोकस्ड हो तुमने इतनी मेहनत की है जॉब लेने के लिए और अगर अच्छा पैकेज देना तो तुम्हें ये नौकरी तो कंसीडर करनी चाहिए अपने मशवरे अपने पास रखो उसके साथ मैं काम कभी कर ही नहीं हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा फ्रूट ओ मेरा ब्लू प्यार बाबा आपको पता है उसे जॉब ऑफर हुई है हैं ये तो बहुत खुशी की बात बाबा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है आप भी जॉब नहीं ले रही हैं क्यों अरे बेटा व्हाई नॉट बाबा वो मुझे जॉब समझ में नहीं आ रही है बेटा कोई वजह तो होनी चाहिए ना बाबा मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि इंटरव्यू में मुझसे जॉब से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इधर उधर के सवाल आते और फिर अचानक से हायर कर लिया वो भी एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर कर लिया मुझे तो बेटा हो सकता है कि उसने तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हुए किया और फिर भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ बेटा कंफ्यूज होने की क्या बात है देखो वैसे तो तुम्हारी मर्जी है लेकिन तुमने जॉब हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की है कुछ दिन दफ्तर जाके देख लो अगर बात समझ में आती है तो ठीक है नहीं तो मत जाना ये ठीक है डोंट वरी अबाउट इट मैं ट्राई कर लूंगी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आप मिस्टर कमाल से मिल लीजिएगा ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू शराब का जूस क्या ये सर वही जूस जो आप रोज पीते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं सर एक तो गलत चीज लेकर आए हो आगे से मुझे जवाब दे रहे जस्ट गो गेट लॉस्ट गो क्या हो गया भाई क्यों इतना शोर मचा रहे हो मॉम एक तो गलत चीज लेकर आए और फिर मुझसे सवाल कर रहे ऐसे लोगों को इनके औकात पहले दिन ना याद दिला दी जाए ना सर पर सवाल जा रहे तुम ठीक कह रहे हो लेकिन इसकी वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो मूड तो अब खराब हो ही गया क्या हमारी शक्ल क्या देख रहे हो जाओ कुछ करें मॉम इसका प्लीज सो इरिटेटिंग तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैडी को ये पुराने नौकर पाल के रखने का शौक है बेशक वो अपना काम ठीक से करे या ना करे हु केयर्स तुम फिक्र नहीं करो मैं अभी जाके इसकी खबर लेती हूँ You just chill, baby. Relax. Thanks, mom. Welcome.
अभी है तो प्रोफेसर सैफुल्ला का, लेकिन अभी हम क्लास में नहीं जा रहे, हम कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख। ओह नो नो नो, मुझे कोई लेक्चर मिस नहीं करना, और आप इस डांट खाने का मुझे कोई शौक नहीं, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर था तुमने मिस कर दिया। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे फ्यूचर की बेहतरी के लिए कहती है। वनीत तुम्हारे शिकार आ रहे। राइट वाली का नाम तो हया है, लेफ्ट वाली का क्या नाम? सना। वैसे इन दोनों बहनों में से तुम किस बहन के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करोगे? दोनों। दोनों के साथ? That's just weird. दोनों बहनें हैं, कोई सहेलियां तो नहीं जो दोनों को बेवकूफ बना के दोनों के साथ फ्रेंडशिप कर लो? यार मेरी प्रॉब्लम तुम लोगों की थोड़ी। ओके अच्छा मुझे देखने दो कि आज इनके बाद किसकी क्लास है। अरे इनकी तो लास्ट क्लास है, चलो इसके बाद कैंटीन। मैं तुम लोगों को बताता हूँ करना क्या। तो हमें इस प्लान को इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। ओके वहाँ पे। ये फाइल है, आप आगे बढ़ना, आता हूँ। हाय। ओ हाय। तो फिर आपने फाइनली ज्वाइन कर ही लिया? जी कर ही लिया। क्या हुआ है, सब ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं ये ऑफिस या फिर मीर मुराद? जाहिर है मीर मुराद। मैं याद है ना इंटरव्यू पे मुझसे कितने अजीब अजीब सवाल किए थे, और उसके बाद ऐसे ही हायर भी कर लिया। ऐसे ही है वो, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम क्या करते हो यहाँ पे? मैं आता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बातें बातें कर लेता हूँ लोगों से, बस तुम्हारी तरह उन्होंने मुझे भी यहाँ पकड़ा है। कुछ काम दे देते तो कर लेता हूँ, वरना महीने के आखिर में सैलरी ली और क्या। अरे वाह, तुम्हारे तो बड़े मजे। अच्छा ये मैं कार्ड दे रहा हूँ आपको, कुछ भी काम हो जस्ट डोंट हेजिटेट टू कॉल। लगता है आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं। आपको किसने दिया मेरा इंटरव्यू का? कई अरसे से काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तकरीबन सबको ही देखा हुआ है, आपको पहली बार देखा है। जी नहीं हुआ था। ये कार्ड मैं रख लेता हूँ, इसमें असल में मेरा पुराना नंबर है, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। हाँ एक सेकंड। हाँ श्योर। क्या नंबर है? इट्स आई एम सो सॉरी, नाम मुझे याद नहीं है। साइम। ओह साइम। और बस कुछ नहीं, कॉफी। इश्क की वजाहत करें हम ये कहते हैं, फकत महबूब की अतात करें। Danish, I really like your idea.
अब आप सिर्फ ये करें कि मुझे इस प्लान की फाइनल रिपोर्ट 6 बजे तक दे दें। ऑल्सो मिस आबरू आपको इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगी। आई रियली होप आप दोनों मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। और हाँ दानिश, एक काम और कीजिएगा, इस प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप मिस आबरू को एक्सप्लेन कर दें, इसकी फाइनल रिपोर्ट ये मुझे देंगे। ऑलराइट, शुक्र है तुम अकेली तो मिली। क्या मतलब? मैंने जब भी तुम्हें देखा है या तो तुम सना के साथ होती हो या फिर अपने पापा के साथ। ऐसी कोई बात नहीं, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि जब भी तुमने मुझे देखा हो मैं अकेली ना हूँ। अच्छा छोड़ो, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आई थी। मैसेज मेरे लिए? देखो हया, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे स्मार्ट लड़का वलीद मुराद तुम्हें पसंद करता है और तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। अच्छा, इतनी बात वलीद ने खुदा का मुझसे क्यों नहीं किया? वैसे तो हर लड़की के साथ पार्टी करता है। वो प्रोफेसर है, मुझसे बहुत डरता है। उसे ये डर है कि अगर तुम्हें नाराज होकर अपने पापा से कंप्लेन करती तो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। और ये तो तुम जानती ही हो कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता है कि तुम्हारे पापा कितना चिढ़ते हैं वलीद से। एनीवेज ये सारी बातें तो होती रहती है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ मैं इसको क्या जवाब दूँ। वो कहते हैं इश्क की वजाहत करें, हम ये कहते हैं फकत महबूब की अतात करे। खड़ूस बॉस, पहले दिन इतना मुश्किल काम ले दिया। हेलो हेलो साइन, दिस इज आबरू स्पीकिंग। आबरू? हाय आबरू, बोलो। हरियत साइन, अगर तुम थोड़े से बिजी नहीं हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा केबिन कहाँ है, मैं अभी अभी आ जाता हूँ। Excuse me. आप से बात कर रहे हैं? हाँ तुमसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन तुम इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रही हो? तो आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं आपसे किस तरह बात करूं। इसका कहने का मतलब ये था कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यू नो कैजुअली बात कर सकते हैं। आप प्रोफेसर सिद्दीक की क्लास में रेगुलर स्टूडेंट है ना? जी। प्लीज मेरी असाइनमेंट में हेल्प कर दो। असाइनमेंट और आप, आपको पढ़ाई में इतना शौक कब से हो गया? जब से तुमको देखा। एक्सक्यूज मी, इसका कहने का मतलब ये था जब से आपका रिजल्ट देखा है। आप टॉपर्स में हैं, फिर मुझे भी तो फाइनल एग्जाम में पास होना है, इसलिए प्लीज प्लीज मेरी असाइनमेंट में हेल्प कर दे। Thank you.
सना जी क्या कर रही हो यहाँ? वो हया के पास कैंटीन जा रही थी। तो फिर जाओ। जी तुम दोनों की आज इससे कोई क्लास नहीं है? जा रहे हैं। Come in. ये प्रेजेंटेशन की फाइल मैंने बना दी है। रख दे इसे टेबल पे। That's all. अब जा सकती हैं। इतनी मेहनत करके इतना टाइम लगाकर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया और उसने उसने देखने की भी तकलीफ नहीं की। सड़क गया। रुकिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, अब मेरे पास कार है। थैंक यू। क्या हुआ? बस गाड़ी खराब हो गई। हाँ भाई खराब हो गई। चलो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप। नहीं नहीं इसकी आदत है कहीं पे भी रुक जाती है, मुझे ठीक करना आता है। अरे ढूंढ भी सिली यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा नोट पर। परेशान मत हो, ये कहीं पे भी रुक जाती है, मुझे इसको ठीक करना आता है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँगा, तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना बुरा लग रहा है। अच्छा चलो मैं चीजें ले। ठीक जगह लग रही है। क्या बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं होगा, रो मत। अच्छा Thank you. Welcome.
अपने आप को ड्रॉप करे तो मेरे पास कार है। किसी को हम ना मिले और हम अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? देखिए मैं मिठाई लेकर आई हूँ। हाँ, ये किस खुशी में? बाबा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। गुड गुड गुड। सना हया कहाँ है? क्या आवाज दे के देख लो। सना हया कहाँ है? ये दोनों देखो मैं मिठाई लाई हूँ। माशाल्लाह। हया जल्दी आओ। क्या लाई हो? मिठाई। सबसे पहले बाबा खाऊंगी, बाबा की फेवरेट। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। थोड़ी वाली नहीं जरूरत। ओहो अच्छा भाई ये लो। नहीं ना ये वाली। मैं सोच रहा तुम कल अपने खड़ूस बॉस की वजह से ऑफिस जाने से कतरा रही थी, अब मिठाइयां खिला रही है। बस यूं समझो कि इस ऑफिस में एक फरिश्ता भी है जो हर मुश्किल घड़ी में मेरी मदद के लिए आ जाता है। बेटा दुनिया में ना नेक लोगों की अभी तक कोई कमी नहीं है, और वैसे भी शुरू शुरू में तो हर काम में मुश्किल होती है, लेकिन तुम जितनी जहीन और मेहनती हो मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम आला मुकाम हासिल कर रहोगी अपनी कंपनी में इंशाल्लाह। और बाबा देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये उसी खड़ूस बॉस की सीट पर बैठी होगी। सीट पर बिठा दिया। क्यों नहीं और क्या। जाओ अब मुझे कुछ पानी भी पूछ लो। बड़ी बहन आई और किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। चाय पियोगी? ओह चाय ही पूछ ली रहा है। क्या दफ्तर में चाय नहीं पी के आई? नहीं नहीं जॉब लगी है भाई। हेलो आज मुझसे पहले ही आ गई। अरे कैसी हो? हेलो। जी सर। जी मिस अबरू, कल की प्रेजेंटेशन की फाइल लेके घर आ जाए। यू ओनली हैव एन आवर, राइट? सर घर? शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मीर नजीर बता रहा था तुम नाश्ते के लिए नहीं आ रहे हो। वो एक्चुअली फ्रीडम में दुबई की फ्लाइट है इसलिए। क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं? वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर शाम को ही वापस आ जाऊंगा। सोचा तो ऑफिस चला जाऊं लेकिन अभी उसके लिए भी टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। थैंक यू। Thank you.
आप मीर सर को रिमाइंड करवा दें कि मैं उनका वेट कर रही हूँ। ठीक है मैडम। ब्रो वनीत। ब्रो कैसा है यार, तू रेडी नहीं अभी तक? यार बस दो मिनट दे यार। बे यार कैसा है? बिल्कुल ठीक। आ जा ड्राइंग रूम में बैठ, मैं आ रहा हूँ। चल बस दो मिनट। चलो हाय। अरे बैठे इस बैठे में। हाय आई एम असल। वैसे आपको पहले यहां देखा नहीं? जी मैं मुराद इंडस्ट्रीज में काम करती हूँ। If you don't mind, आप नीर सर को बता देंगे कि मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रही हूँ। Oh, I see. उनसे मिल लीजिएगा पहले, हमसे तो सही से मिल लें। जी किसी ने बताया नहीं आपको कि कितनी खूबसूरत हैं आप? वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं? देखें आप जो कोई भी हैं, मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप मीर सर को बुला दें, मैं उनका वेट कर रही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अपने घर बुलाने से पहले अपने नौकरों का मिजाज जरूर देख लेना। असद असद नजीर कौन हो तू? जी सर। कौन है ये? सर, और यहां पर क्या कर रही है? सर ऑफिस से ही। तुम्हें पता नहीं है कि नौकरों को कहां बिठाया जाता है? और तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। अब तुम जैसे भी बेइज्जती और इज्जत की बातें करेंगे। हाँ आप जो कोई भी है तमीज से बात करें। तुम जैसी मामूली एम्प्लॉय मुझे तमीज से खाएगी? हाँ औकात क्या है तुम्हारी? आप हद पार कर रहे हैं। अब वलीद मुराद को उसकी हद बता रही है। नजीर निकालो इसको बाहर। गेट आउट। ये क्या हो रहा है यहां पे? ब्रो इसको देखे, इसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया और अब मुझे तमीज सिखा रही है। मिस अब्रू, व्हाट्स द मैटर? सर इन्होंने ये तो बता दिया कि मैंने इनके दोस्त पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने उन पे हाथ क्यों उठाया। बोलो बोलो ना क्यों उठाया? सर सर ही ट्राइड टू टच मी। क्या आपने तो मुझे हायर ही जलील होने के लिए किया, और बाकी की औकात आपके भाई ने याद दिलाती। आपका काम तो आसान हो गया। ये रही वो फाइल जिसके लिए आपने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था। ब्रो ब्रो आप इसकी बात सुन रहे हैं? बोलिए माफी मांगो इनसे। ब्रो मैं इस मामूली एम्प्लॉय से माफी नहीं मांगूं। She is not your employee. मुराद ग्रुप की एम्प्लॉय है। अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। वलीद, I'm asking you to do so. ब्रो मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। Right now! Sorry. You can leave now.